परम पूज्य आचार्य श्री महाराज श्री के पद चिन्हों का अनुसरण करके और उनके मार्गदर्शन के अनुसार परम पूज्य 108 श्री भावी आचार्य श्री लाल जी महाराज श्री मृगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री धर्म प्रवर्तन के कार्य कर रहे हैं। संवत 2030 की फागुन वद पंचमी यानी कि होली के पवित्र दिन को परम पूज्य 108 श्री भावी आचार्य श्री मृगेंद्र प्रसाद जी महाराज ने जन्म धारण किया। कलयुग के अनिष्टों से लोगों को बचाने के लिए ही मानो इन्होंने भागवत धर्म के हेतु ही इस धरा पर जन्म धारण किया। श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के परम पूज्य भावी आचार्य 108 श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री की स्वयं सिद्धियां और प्रतिभा अनगिनत हैं। उच्च विद्याभ्यास के साथ साथ परम पूज्य लाल जी महाराज श्री ने वेद संस्कृति और संप्रदाय का और अन्य शास्त्रों का विस्तृत अभ्यास किया है। 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मेहमदाबाद, गोधरा, खांडली, जेतपुर, बोरसद और अन्य गांवों में सत्संग प्रचार किया। इतना ही नहीं, इतनी छोटी आयु में उन्होंने कई सारी सभाओं को भी संबोधित किया। इतनी कम आयु में श्री जी महाराज के बाद आचार्य परंपरा में परम पूज्य लाल जी महाराज श्री का ये सत्संग प्रचार एक अनोखी सिद्धि बन गई। जब वे 11 वर्ष के थे तब उनके पिता श्री परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री का वड़ताल गादी पीठाधिपति के रूप में पट्टाभिषेक हुआ। उसी समय आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री की अनुमति से निवृत्त होने जा रहे परम पूज्य 1008 आचार्य श्री नरेंद्र प्रसाद जी महाराज ने अनगिनत संतों और विशाल हरिभक्तों की मौजूदगी में एक घोषणा की। सही समय पर कोई और आचार्य को ढूंढना न पड़े, इसलिए परम पूज्य लाल जी महाराज श्री मृगेंद्र प्रसाद जी महाराज को भावी आचार्य घोषित किया और उनकी आरती भी उतारी गई। परम पूज्य लाल जी महाराज श्री मृगेंद्र प्रसाद जी महाराज ने भारत वर्ष के कई प्रांतों में सत्संग प्रवास करके जन जागृति जगाई है। धर्म उपदेश को ही अपना जीवन मंत्र मानने वाले परम पूज्य लाल जी महाराज ने लाखों हरिभक्तों के हृदय में अविचल स्थान प्राप्त किया है। परम पूज्य लाल जी महाराज श्री ने श्रीमद् भागवत, रामायण, भगवद गीता, महाभारत, वेद का तो प्रखर अभ्यास किया ही है, संप्रदाय के वचनामृत और श्री सत्संगी जीवन आदि धर्म शास्त्रों का गहन चिंतन और अध्ययन किया है। इसलिए परम पूज्य लाल जी महाराज श्री का नाम बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। बिना थके बिना रुके परम पूज्य लाल जी महाराज श्री देश विदेश में धर्म प्रचार करते ही रहते हैं। उनके आशीर्वाद और उनकी अमी दृष्टि से कितने ही मुमुक्षुओं का कल्याण हुआ है। भगवान श्री स्वामी नारायण जो आज्ञा कर गए हैं उसी का पालन करते हुए परम पूज्य लाल जी महाराज श्री संप्रदाय का मार्गदर्शन करते आए हैं। जब जब समाज देश पर आपत्ति आई है तब तब पूज्य लाल जी महाराज श्री ने केवल मानव कल्याण के लिए दैवी सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। पूज्य लाल जी महाराज श्री का सबसे बड़ा चमत्कारिक गुण ये है कि वे केवल बातें नहीं करते लेकिन स्वयं उसका अनुसरण करते हैं। चाहे विदेश में स्वयं का भोजन बनाना हो या फिर रक्तदान का संकल्प हो, वे हर बार सबसे पहले आगे आते हैं। इस तरह वे पूरे समाज को नई दिशा दे रहे हैं और दशा भी बदल रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य लाल जी महाराज श्री ने 8000 से भी ज्यादा धार्मिक सामाजिक सत्संग कार्यक्रमों में भक्तों को दर्शन एवं अमृतवाणी का लाभ दिया है। USA, UK, कनाडा जैसे देशों में सत्संग प्रवास करके भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा पर अंग्रेजी में विद्वता सभर वैज्ञानिक तरीके से प्रवचन देकर धर्म प्रेमी जनों के हृदय में उच्च स्थान प्राप्त किया है। जन समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए रचनात्मक प्रवृत्तियों में भी परम पूज्य लाल जी महाराज श्री का अनोखा योगदान रहा है।
उन्होंने अखिल भारतीय दक्षिण विभाग श्री लक्ष्मी नारायण देव युवक मंडलों की 400 से भी ज्यादा शाखाओं की स्थापना की या कराई है। ये मंडल सत्संग सेवा के साथ साथ जन सेवा, शिक्षा सहयोग, वृद्ध सेवा, मेडिकल कैंप, व्यसन मुक्ति, रक्तदान, चक्षु शिविर जैसे अनेक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। परम पूज्य लाल जी महाराज श्री का 2009 की साल में अमेरिकी सरकार ने वहां की नागरिकता देकर परम आदर किया है एवं 2011 में बृहन मुंबई गुजराती समाज द्वारा सर्वोच्च गुजरात गौरव के अवार्ड से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। परम पूज्य लालजी महाराज श्री ने कई सारे महामहोत्सवों में उपाध्यक्ष रहकर लाखों जीवों का कल्याण हो ऐसे उत्कृष्ट आयोजन करवाए हैं। पत्ते पत्ते पर श्री स्वामी नारायण नाम गूंजे इस आशय से 365 करोड़ महामंत्र का लेखन करवाकर श्री स्वामी नारायण महामंत्र महोत्सव गढ़पुर का भव्य आयोजन 2010 के साल में कराया था। ये कार्य पूर्ण होते ही 730 करोड़ महामंत्र के लेखन का संकल्प किया जो भी पूर्ण होने में है। सत्संग के साथ सांसारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए उन्हें भी 19 जनवरी 2012 के दिन बाल लाल जी श्री यज्ञेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री के वात्सल्य पूर्ण पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज अमेरिका के हरिभक्तों के आनंद की कोई सीमा नहीं है क्योंकि आज अमेरिका की धरती पर परम पूज्य लाल जी महाराज श्री का आगमन हुआ है और यहाँ के हरिभक्तों के कल्याण के लिए परम पूज्य लाल जी महाराज श्री अपने स्नेह और करुणा की अमी वर्षा बरसा रहे हैं। जिनकी आंखों में अमी है, जिनके मुखारविंद पर अलौकिक तेज है, जिनके हृदय में केवल हरिभक्तों का कल्याण और हित बसा है, ऐसे परम पूज्य लाल जी महाराज श्री को हमारे कोटि कोटि वंदन।